टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज आरसी सर्किट। तो देखिए आरसी सीरीज सर्किट के लिए ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर जब सीरीज में लगा होता है बैटरी के साथ में, तो उस कंडीशन में जो टाउ टाइम कांस्टेंट होता है सी है, ये आर और ये बैटरी। तो टाइम कांस्टेंट टाउ सी की वैल्यू ये आर सी के इक्वल होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस वी इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है, यानी एनर्जी डेंसिटी। एरिया ए दिया और सेपरेशन डी और पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया है। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ड्रॉ करते हैं। ये कैपेसिटर है, इनके प्लेट के बीच की ये डिस्टेंस डी है और ये मैंने पी क्यू पॉइंट ले लिए, प्लेट का एरिया ए होगा। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जो होती है यू की वैल्यू ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी होती है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी की वैल्यू इसके लिए पुट करें ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी होगी, डी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी पूछी है, एनर्जी डेंसिटी इसको हम स्मॉल यू से लिख देते हैं, ये यू वाई वी होगा। तो इसमें हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे क्यू स्क्वायर डी अपॉन ट्वाइस ए एफ साइलेंट नॉट और इसमें इसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा इस डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये क्यू स्क्वायर डी अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर और डी इंटू एफ साइलेंट नोट, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिखेंगे, ये क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए स्क्वायर एफ साइलेंट नोट। यहां पर हम एफ साइलेंट नोट का मल्टीप्लाई और डिवाइड किए देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन टू और ये क्यू अपॉन ए एफ साइलेंट नोट का स्क्वायर इंटू एफ साइलेंट नोट और ये वैल्यू होगी वन अपॉन टू एफ साइलेंट नोट। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट की होती है क्यू अपॉन ए एफ साइलेंट नोट होती है। यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, तो ये हो जाएगी ई स्क्वायर की वैल्यू और ई को हम लिखते हैं वी वाई डी का स्क्वायर। तो यहां से एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू की वैल्यू आएगी वन अपॉन टू एफ साइलेंट नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।